सुजुकी कल्टस है जी, इस्लामाबाद, नंबर 2015 मॉडल, फ्रंट आपके सामने है जी, माइनर सा पेंट क्रैक है, ये फ्रंट पट्टी आपके सामने, इंजन बे की मुकम्मल कंडीशन, ये जी इसकी बोनट की सील्स वगैरह, गाड़ी सीलों में बिल्कुल ओके है, ये जी कुपे चेसिस पट्टी वगैरह बेहतरीन, ड्राई बैटरी के साथ, इंजन में लीकेज वगैरह कहीं नहीं है जी, इंजन की कंडीशन देख सकते हैं, ट्रैकिंग वगैरह भी कहीं नहीं है, अगर आप चेक करें तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं, ये जी उसकी मुकम्मल कंडीशन। साइड प्रोफाइल की तरफ चलें तो इसमें सिंपल व्हील है, टायर बस 50-50 है जी, ये इसकी मुकम्मल साइड प्रोफाइल है जी, टिंटेड मिरर है जी इसमें, ये इसकी टायर प्रोफाइल है, ये गाड़ी की छत है जी, गाड़ी पे भी माइनर से हमें डेंट नज़र आ रहे हैं, आफ्टर मार्केट इसमें टिंटेड मिरर आप देख सकते हैं। डोर की सील्स की बात करूँ तो ये इसकी डोर की सील्स है जी, डोर कार्ड्स, ये फैब्रिकेटेड जेन्युइन सीटिंग है जी, स्पीकर वगैरह गाड़ी में नहीं है, ये छत है, ये इसका डैशबोर्ड है जी, गाड़ी तकरीबन जेन्युइन रखी हुई है, बाकी जो डिटेल है वो इसके ऑनर से जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खड़ी है सर। कौन सा मॉडल है ये? मॉडल 15 है, 16 रजिस्टर है। तो आपके पास कब से है गाड़ी? हमारे पास थोड़ा ही टाइम हुआ है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है और बायोमेट्रिक में अवेलेबल हर चीज़ आपको मिलेगी। तो क्या कंडीशन है बॉडी की और इंजन? बाहर से टचिंग मैचिंग है। कितने पीस का चल? बाहर से है, छोटी मोटी टचिंग ठीक है, और बाकी चलने चलने लेफ्ट हैंड टोकन है, टायर नए हैं, चलने चलाने में एसी वर्किंग में सही है ना, और इंजन गियर वगैरह की आप? इंजन ए वन है। कितनी चली हुई है गाड़ी? चलिए 187 चली, 187 जेन्युइन वाली ठीक है। और डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी? डिमांड हम 16 कर रहे हैं, इसमें भी प्यार मोहब्बत हो जाएगी? हाँ, थोड़ी बहुत हो जाएगी। गाड़ी कहाँ पे देख सकते हैं? गाड़ी आप ये टीपू रोड ससेह चौक, ससेह चौक के अपना नंबर बता दो 0313 जी 560-77-68। नाम क्या? शेर नाम है, शेर मलिक। ठीक है जी, शेयर साहब की गाड़ी है जी, डिटेल आपके पास आ गई है, अगर किसी को गाड़ी समझ आए या और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं जी। ये एक और सुजुकी कल्टस है जी, 6 मॉडल 7 रजिस्टर है, इससे पहले आपने देखी 15 मॉडल 16 रजिस्टर और नंबर है, ये फ्रंट आपके सामने है, इंजन बे की तरफ चलें तो इस तरफ भी सीलों पे काम हुआ है, ये आप देख सकते हैं, कुफा शरीफ चेसिस पट्टी वगैरह ये आप देख सकते हैं, लेड एसिड बैटरी के साथ, ये इसकी फ्रंट पट्टी है, ये जिसका मुकम्मल इंजन है, ये इंजन बैग, इंजन की कंडीशन लीकेज नहीं है, क्रैकिंग भी कहीं नहीं है, माइनर सा रस्ट ज़रूर है इस पर, इस तरफ भी आप कंडीशन देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल की तरफ चलें तो इसमें सिंपल व्हील है, टायर की कंडीशन नॉर्मल है, ये इसकी मुकम्मल साइड प्रोफाइल है, और ये है जी गाड़ी की टेल प्रोफाइल, गाड़ी की छत आपके सामने है, गाड़ी आपको अंदर से चेक करवाते हैं, ये इसकी जी फ्रंट डोर की सील, डोर कार्ड्स, फैब्रिकेटेड सीट्स, ये इसका जी डैशबोर्ड, बाकी ये रूम वगैरह आपके सामने है, बाकी जो डिटेल है वो इसके ऑनर से जानते हैं। सर कौन सा मॉडल है ये? सर ये 6 मॉडल है, 7 रजिस्टर है। और क्या कंडीशन है बाहर से बॉडी की बात करें तो? गाड़ी दरवाजे जो इसमें हुआ है पेंट सही है, कोई छपे कोई एक्सीडेंटल कोई नहीं है, इंजन गियर इंजन गियर सब है ओके। कब से आपके पास है गाड़ी ये? तकरीबन इसको हमारे पास हो गए 3 से 4 महीने। सही, और एसी वर्किंग में इसका? एसी वर्किंग में पहले था, ब्लोअर का भी मसला आ रहा। सही, डॉक्यूमेंट्स क्लियर है? हाँ डॉक्यूमेंट्स। अपने नाम पे है? नाम फैमिली के नाम पे। सही है, तो डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड 8.5 लाख। तो इसमें कोई कमी पेशी हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। गाड़ी कहाँ पे देख सकते हैं? गाड़ी ये होती है कार चौक के पास, चकलाला स्क्रीन। अपना नंबर बता दें? 0342-55-22-38। नाम क्या आपका? अदनान। ठीक है जी, ये अदनान लेके गाड़ी है, डिटेल आपके पास आ गई है, अगर गाड़ी देखना चाहते हैं या मुझे डिटेल जानना चाहिए। होंडा सिविक ईजी है जी, जो कि 1991 से लेकर 95 तक आई है जी, मॉडल हम ओनर से पूछते हैं, पहले आपको गाड़ी दिखा दें, फ्रंट आपके सामने है जी, इंजन बे की तरफ चले तो काफ़ी इसमें मॉडिफिकेशन भी है, कुफा शरीफ आपके सामने है जी, आप देख सकते हैं ये इंटेक वगैरह लगा हुआ है इसमें, ये इसमें मुकम्मल इंजन जी,
इंजन आई थिंक इसमें अपना ही है, लीकेज वगैरह कहीं नहीं है, चेकिंग वगैरह भी नहीं है, माइनर से रस्ट और जो है पेंट उखड़ा हुआ जरूर है। आप इसकी मुकम्मल कंडीशन देख सकते हैं, फ्रंट पट्टी भी आपके सामने है, ये इसका मुकम्मल इंजन। और साइड टू साइड की तरफ चलें तो इसमें काफ़ी हैवी अलॉय भी लगा हुआ है, खूबसूरत हैवी टायर स्टड्स वगैरह बेहतरीन, ये इसकी मुकम्मल साइड प्रोफाइल है। और ये है जी गाड़ी की फेयर प्रोफाइल, गाड़ी की फेयर प्रोफाइल आपके सामने हैवी एग्जॉस्ट वगैरह मतलब काफ़ी जो हैवी इसमें मॉडिफिकेशन ही दिया है। ये इसके साथ है जी गाड़ी आपको अंदर से भी दिखाएंगे, पहले ये आप क्या करेंगे इसके डोर की सीट डोर कार्ड अंदर भी जो है फैब्रिकेटेड सीट्स हैं, काम वगैरह काफ़ी हुआ है जी। ये जी इसका डैशबोर्ड पैनल वगैरह इंस्टॉल है, इसमें मोमो का स्टेयरिंग और खूबसूरत गेयर नॉब। अभी जो इसकी यूनिक चीज़ है गाड़ी की वो आपको चेक करवाते हैं, हेलो पीछे माम आ गए। गाड़ी के दो मैं गाड़ी चेक कर रहा हूं जी जी वीडियो पर एक सेकंड क्यों वीडियो पर गाड़ी का नाम YouTube चैनल पे बंद करो काम एक मिनट बात करेंगे बंद करो बंद कर दो। जी व्यूअर ये आप देख सकते हैं कि चंद मिनट पहले यहाँ पे गाड़ियाँ लगी थी, बाजार लगा हुआ था, हम भी वीडियो बनाने आए थे, अभी दो से तीन गाड़ियों की वीडियो बनी थी जो कि पूरी नहीं बनी थी, तो यहाँ पे फिर वही तमाशा शुरू हो गया जो इलेक्शन से दो हफ्ते पहले शुरू हुआ था गाड़ियाँ उठाना। और इस पर गाड़ियाँ उठाई नहीं है, इन्होंने गाड़ियों की हवा निकालने वाला सिलसिला शुरू किया है, गाड़ी मुकम्मल ही बैठ गई उधर। तो ये जी हालात हैं आज वीडियो के, इसलिए वीडियो बिल्कुल छोटी सी बनी है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, है तो गलत लेकिन उनको भी ऊपर से ऑर्डर होते हैं, ये भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई प्रॉपर जगह तो देनी चाहिए। तो भैया ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह करें कैसे हम अपनी वीडियो को बेहतर बना सकते हैं। ऑटोमोटिव कम्युनिटी और ऑटो इंडस्ट्री से मुतल किसी भी किस्म की अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।